मकर संक्रांति स्नान पर्व पर हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रयागराज में मकर संक्रांति के मौके पर संगम पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माघ मेले में तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हजारों की संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सीएम योगी 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। देर शाम सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में आयोजित होने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। आज भी सीएम योगी खिचड़ी मेले की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। इसके अलावा सीएम आज सुबह जनता दरबार लगाकर सुनेंगे लोगों की समस्याएं। विधान परिषद की 5 सीटों के चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बैठक बुलाई है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी भी शामिल होंगे। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्वीट करके लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लिया। बिजली की प्रस्तावित बढ़ी दरों को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने राज्य सरकार को घेरा। कहा कि भ्रष्टाचार के चलते बिजली की कीमत बढ़ने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा आज। सुबह 10:40 पर पहुंचेंगे जौलीग्रांट एयरपोर्ट। देहरादून में चीरबाग में शौर्य स्थल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर और टनकपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की शुरुआत करेंगे। टनकपुर में शारदा घाट पर संध्याकालीन आरती कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हरीश रावत ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और धामी सरकार को लीक एक्सपर्ट सरकार बताया। जोशीमठ में आज भी जारी रहेगा दरार वाली होटल का ध्वस्तीकरण। बारिश और बर्फबारी से बड़ी दिक्कतें। केंद्र राज्य सरकार हालात की कर रहा है मॉनिटरिंग। जोशीमठ में शिविरों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए प्रभावित लोगों के साथ डीएम ने बैठकर भोजन किया। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम जनता के लिए खुलेगा। ऑटो एक्सपो में टाटा, सुजुकी, मारुति समेत कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के एसएल टावर में मेंटेनेंस नहीं होने से लिफ्ट हुई खराब। 12 से ज्यादा छात्र लिफ्ट में ही फंसे रहे। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। लगभग आधे घंटे तक लिफ्ट रुकी रही। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रीशियन आया और फिर जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोला गया। गोंडा के सिविल लाइन में 3 एकड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। मुख्य राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में जेसीबी लगाकर कब्जे की बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने की फिराक में थे भूमाफिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर कोई भी दावेदार नजर नहीं आया। करीब 3 घंटे तक चला बुलडोजर। गोरखपुर महोत्सव के समापन में बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने बिखेरा अपने सुरों का जादू। सोनू निगम ने सुरों का ऐसा जादू बिखेरा कि देर रात तक लोग उनके गीतों पर सुर की लहरियों में गाते हुए दिखाई दिए। खचाखच भरे पंडाल में दूर दूर से लोग मोबाइल पर सोनू निगम को कैद करने के लिए आतुर दिखाई दिए। शाम से ही सोनू निगम के दीदार के लिए रुके लोग दिल थामे बैठे रहे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट। जूनियर छात्र ने सीनियर पर हॉस्टल के रूम में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया। औरैया में किन्नर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा किन्नर की कार रोकने पर किन्नर ने बीच सड़क पर किया हंगामा। औरैया के सदर बाजार में दुकानों में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल बना। एक के बाद एक 3 दुकानों में लगी आग। संभल में रोड किनारे खड़ी एक कार में अचानक लगी आग। देखते ही देखते जमकर आग जलकर हुई खाक। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। रुड़की के उप कारागार में बंद विचाराधीन कैदी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बलिया में किडनैप कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। लड़की को सकुशल बरामद किया गया। हरिद्वार में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की पड़ताल जारी। संभल में महिला पंचायत सहायक से छेड़छाड़ मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड किया गया। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मिर्जापुर के झिंगुरा रेलवे स्टेशन के पास ओएचई तार टूट गया, जिसकी वजह से दिल्ली हावड़ा रूट की डाउन लाइन पूरी तरीके से ठप।
टिहरी के पर्वतारोही रोहित भट्ट अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को पट्टा करने वाले हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में 2022 में जन्मी बच्चियों को मुख्य अतिथि बनाया गया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाश के पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट में बताया गया कि 185 परिवारों के 657 लोगों को अस्थायी रूप से स्थापित किया गया। जोशीमठ के संकट को लेकर सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर लिए गए अहम फैसले। एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। 6 महीने के लिए बिजली पानी का बिल माफ करने का फैसला। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा अखिलेश यादव हो गए हैं बेरोजगार। गोरखपुर में निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, पिछली सरकारों ने निषाद समाज के साथ अन्याय किया, अब निषाद राज के अनुयायियों का संकल्प जल्द पूरा होगा। भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर पर अमर्यादित टिप्पणी की। ओम प्रकाश राजभर को बताया जूताखोर। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बच्चों के करियर काउंसलिंग को लेकर बैठक की। कहा युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार गंभीर, पीएम मोदी सीएम योगी रोजगार पर गंभीरता से दे रहे ध्यान। बहराइच में फसल नुकसान को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे। खेत में जानवर जाने की वजह से विवाद हुआ था। मऊ में बाइक पर स्टंट करते कांग्रेस नेता का वीडियो हुआ वायरल। कान में फोन लगाकर बाइक पर किया स्टंट, सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए बनाया। झांसी में प्रधान की दबंगई का विरोध करने पर कलेक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार ने दिया धरना। प्रधान पर उनके बीच नाला निकालने का ये आरोप है, इस वजह से विवाद बढ़ गया। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे किसान के सामने आया विशालकाय अजगर। मौके पर उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का छात्रों ने घेराव किया। फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया। नारेबाजी की, छात्रों को काबू में करने के लिए पहुंची पुलिस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर सड़कों पर उतरे अयोध्या के साधु संतों ने फूंका पुतला। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अलग अलग जिलों से कोटद्वार पहुंचे अधिकारी। शिक्षक कर्मचारी ने निकाला जुलूस। तहसील परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। खटीमा की 17 मील पुलिस चौकी पर महिलाओं ने दिया धरना। चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। सीतापुर में नगर पालिका की टीम और पुलिस ने मिलकर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बीसीएम अस्पताल रोड को से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। अमरोहा में जीआरपी पुलिस ने दो यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया है। रेलवे के नियमों को ताक में रखकर के बनाया गया था वीडियो। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने सफाई कर्मी की हॉकी से पीट पीट कर हत्या कर दी। एक साथी गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में जायस नगर पालिका के अध्यक्ष के दबंगई आई सामने। पाइप लाइन डालने का विरोध करने पर युवक और महिला को पीटने का आरोप। हरदोई में 7 जनवरी को महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। प्रेमिका के चरित्र पर शक करता था प्रेमी। साथी के साथ मिलकर जिंदा जलाकर की हत्या। पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार। ललितपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के गड्ढे में गिरी। हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में करवाए गए भर्ती। उन्नाव में ओपीडी से महिला डॉक्टर का पर्स चोरी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पीड़ित महिला डॉक्टर ने थाने में शिकायत। अमरोहा पुलिस ने 10,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिजवान को चाकू के साथ पुलिस ने पकड़ा। अमरोहा के थाना रहरा का मामला। अमरोहा में पशु क्रूरता के तहत किसानों पर मुकदमा दर्ज कराने का मामला। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा करनखाल गांव। किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग। उन्नाव में एनजीटी के आदेशों की उड़ी धज्जियां। प्रशासन के दावे की पोल खुली। शुक्लागंज के शक्तिनगर में सीधे गंगा में गिर रहा है बड़ा नाला।
जोशीमठ में एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का विरोध चरम पर पहुंचा। आपदा के लिए एनटीपीसी की परियोजना जिम्मेदार बताते हुए स्थानीय लोगों ने घेराव किया। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों की समीक्षा ली। जल जीवन मिशन योजना घोटाले की जांच बारीकी से करवाने की बात कही। बागेश्वर में पेपर लीक मामले को लेकर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा भर्ती घोटाले में बड़ी मछलियों को बचा रही है सरकार। पेपर लीक को बताया सरकार की नाकामी। बद्रीनाथ धाम में बीती रात हुई बर्फबारी के चलते 4 इंच तक जमी है बर्फ। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम का नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनेगा नकल विरोधी कानून। कैबिनेट में लिए गए फैसले की मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता अनुकृति गोसाई ने पेपर लीक मामले पर खड़े किए सवाल। का उत्तराखंड देश में बन रहा है हास्य का पात्र। युवाओं का सरकारी संस्थाओं से खो चुका है भरोसा। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तारी की। कानपुर में चोरों के गिरोह ने मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से 20 लाख के आभूषण चोरों ने साफ किए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नोएडा में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीट में असफल हुए छात्रों को करते थे टारगेट। विकास नगर में 550 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कानपुर में मृतक के परिजनों ने बीच सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों के मुआवजे की मांग की। सड़क दुर्घटना में हुई थी सब्जी विक्रेता अनिल रावत की मौत। कानपुर पहुंचे ब्रिटिश गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने एचएएल के एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के विमानों की तारीफ की। अपने देश के लिए रक्षा सौदों को लेकर एमओयू भी साइन किए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 40 छात्र छात्राओं का एडमिशन फर्जी पाया गया। सड़क पर भीख मांग रहे बच्चों की जिंदगी सवारे का प्रशासन। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके स्कूल पहुंचाएगा। बच्चों को सुरक्षा और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नई मुहिम। पिथौरागढ़ में शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला। 55 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी ललित पुनेठा को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया। मऊ में 3 बच्चों की मां की हत्या का मामला। अवैध संबंध के चलते हत्या हुई। लिविन में रहने वाला प्रेमी प्रदीप पुलिस के हत्थे चढ़ा। बुलंदशहर में ज्वेलर की दुकान में शटर काटकर घुसे चोर। करीब 70,000 के जेवर लेकर हुए फरार। हमीरपुर में बिजली करंट लगने से 1 किसान की मौत की खबर। दूसरा किसान गंभीर रूप से झुलसा। खेत में सब्जी काटने जा रहे थे दोनों ही किसान। झांसी से बड़ी खबर है। जिला कारागार में 14 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। जेल प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में ये पॉजिटिव पाए गए। सभी कैदियों का इलाज जारी है। खास समस्या नहीं है ये बात बताई गई। जेल में आने के बाद जांच में मिले सभी एचआईवी पॉजिटिव, जिसके बाद से हड़कंप। जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि खास समस्या नहीं है, सभी कैदियों का इलाज जारी है और जांच में ये पॉजिटिव पाए गए। जेल प्रशासन की ओर से ही जांच इनकी करवाई गई और एचआईवी पॉजिटिव कैदी मिले हैं। 14 इनकी संख्या बताई जा रही है। झांसी से बड़ी खबर। जिला कारागार में 14 बंदी एचआईवी पॉजिटिव, सभी का इलाज चल रहा है ये जेल प्रशासन ने कहा है। सभी ठीक है, खास समस्या नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है, इसके बारे में जानकारी जेल प्रशासन की तरफ से दी गई है। आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है। पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ की खबर है। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बदमाश को गोली लगी है। आरोपी के पास से तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया है। थाना गोवर्धन क्षेत्र की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहां कामयाबी हाथ लगी है। मथुरा पुलिस को साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती है। हालांकि साथी मौके से फरार है। आगे बढ़ते हैं, गोंडा से खबर है। गोंडा के सिविल लाइन में 3 एकड़ की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बाद मुख्य राजस्व अधिकारी के नेतृत्व में जेसीबी लगा करके कब्जा की गई बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि भू माफिया इसकी प्लॉटिंग कर बेचने की फिराक में थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने बुलडोजर से भू माफिया द्वारा कब्जा की गई इस जमीन को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त करवा दिया है। नगर पालिका के माध्यम से सूचना मिली कि नजूल की जमीन करीब 3 एकड़
जिस पर बाउंड्री बना के कब्जा किया जा रहा था। तत्काल अभिलेखों को देखा गया, ये नजूर लैंड है जो किसी को भी कभी भी पट्टा नहीं हुई है, ना ही किसी के फेवर में फ्रीहोल्ड हुआ है। और जांच में इसे हम लोगों ने मौके पर पाया कि जमीन पूर्णतया सरकारी है। इस पर जो अवैध कब्जा हो रहा था उसको तत्काल रोकवाया गया, उस पर अवैध रूप से बनी हुई बाउंड्री वाल को सब ध्वस्त करा। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, आज से ऑटो एक्सपो आम लोग देख सकेंगे। आज से एक्सपो में आम लोगों की एंट्री हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट का आयोजन हो रहा है। 11 जनवरी से ये ऑटो एक्सपो चल रहा है। देश विदेश की कार का दीदार आम लोग आज से कर पाएंगे। आज से ऑटो एक्सपो में देख सकेंगे आम लोग वहां जाकर के नई नई कारें। एक्सपो में आम लोगों की एंट्री आज से खुल चुकी है। ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट का आयोजन चल रहा है। 11 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज से 14 जनवरी से आम लोगों की एंट्री यहां पर खुल चुकी है। आम लोग भी यहां पर जा सकते हैं इस एक्सपो मार्ट में जाकर के नई नई कंपनियों के द्वारा जो गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं उन गाड़ियों को देख सकते हैं, उनका दीदार कर सकते हैं। आम लोगों के लिए भी ये ऑटो एक्सपो खुल चुका है आज से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।